वेलकम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर है आपका ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक। ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक में आपने क्या करना है, जैसे कल हमने किया था पैराबोला, पैराबोला में वही रिजल्ट करना है। अब आपने क्या करना है, इस पैराबोला को ट्रेस करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। हाँ जी, तो इसमें देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास कॉनिक दे रखा होगा, सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि कॉनिक जो है वो आपके पास पैराबोला है या नहीं है। हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, ये आपके पास कॉनिक की इक्वेशन थी, इसे आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट की। यहाँ तक हमने सारा टॉपिक पहले किया था, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि कैसे सॉल्व किया है। डेल्टा फाइंड आउट किया, डेल्टा के बाद आपने एस स्क्वायर माइनस ए बी को चेक किया, ये आपके पास कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब कॉनिक जो है वो आपके पास क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने देखो, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, अब फर्स्ट इक्वेशन को आप कैसे राइट आउट कर सकते हो, इसमें क्या करना था, अपने जो टर्म्स आपको परफेक्ट स्केयर बनती है उसे परफेक्ट स्केयर के फॉर्म में लिख लो, और बाकी को आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो आपके पास इक्वेशन जो है वो क्या बन रही है, देखो 3x प्लस 4y का स्केयर, और बाकी टर्म्स को शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगी 2x माइनस 14y माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास 2। उसके बाद आपने कंसीडर किया एक इक्वेशन को, 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा का होल स्केयर, ये आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, 3x प्लस में 4y प्लस लैम्डा स्केयर प्लस 2 लैम्डा इंटू 3x प्लस 4y। ये प्रीवियस टॉपिक में सारा एग्जांपल सॉल्व किया होगा कि आपने किस टाइप से सॉल्व किया था। हाँ जी, इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2x माइनस 14y माइनस 1 प्लस लैम्डा स्केयर प्लस 6 लैम्डा x प्लस 8 लैम्डा वाई। ठीक है, यहाँ से फैक्टर इकट्ठे कर लीजिए, 2 प्लस 6 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 8 लैम्डा माइनस 14y प्लस लैम्डा स्केयर माइनस 1। ठीक है, अब लैम्डा को आपने चूज़ करना है, चूज़ लैम्डा सच दैट थ्री एक्स प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, एक तो ये लाइन बन जाएगी, एंड एक आपके पास क्या बनेगी, 2 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा एक्स, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, प्लस 2 इंटू 4 लैम्डा माइनस 7 वाई प्लस लैम्डा स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दो लाइंस आपके पास क्या बन जाएंगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, स्लोप निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इसके इक्वल है, माइनस 1 के इक्वल है। हाँ जी, तो यहाँ से स्लोप क्या निकलेगी, हाँ जी स्लोप क्या निकला था, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ वाई। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप की प्रोडक्ट क्या आएगी, माइनस 1 के इक्वल। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, और लैम्डा को सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास क्या बनेगी, जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ से लैम्डा जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम, ये इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 3 बिकम्स, जो इक्वेशन आपने निकाला लैम्डा को जो इंट्रोड्यूस किया था उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अब आपके पास जो इक्वेशन थी ना वो आपके पास इक्वेशन 3 नंबर बनी थी, ये इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3x प्लस 4y प्लस 1 का होल स्केयर इक्वल टू 8x माइनस 6y। यहाँ से फिर वही मेथड आपने क्या करना है, इसे पैराबोला फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो पैराबोला फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए देखो आप क्या करोगे, इसे पैराबोला फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपने क्या किया, इसे 25 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है,
और इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बना लिया। सेम मेथड अप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 3x प्लस 4y प्लस 1, मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्र से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे वही पार्ट इधर आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, फिर आपने इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। हाँ जी, तो ये फॉर्म बनेगी आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो डायरेक्ट, ये आपके पास कितना आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 इंटू में क्या आ जाएगा, 8x माइनस 6y बाय में 64 प्लस 36, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा इसका। हाँ जी, जब आप इसे सोल्व करोगे 25 बाय में चला जाएगा, तो ये 3x प्लस में 4y प्लस 1 बाय में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 9 प्लस में 16 इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 बाय 25 और इंटू में 8x माइनस 6y, ठीक है। इसे और सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाय 5 8x माइनस 6y, थ्री एक्स प्लस 4y प्लस 1 बाय में 9 प्लस में 16 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ये सारा टॉपिक प्रीवियस टॉपिक ही आपका, बस उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रेस करना है। हाँ जी, अब देखिए जो गिवन फॉर्म जो है ना, वो आपके पास किस फॉर्म की बन गई, ये आपके पास फॉर्म बन गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म का बन गया, ठीक है, ये सारा कैपिटल में लिख लीजिए। हाँ जी, अब यहाँ से आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने निकालना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या फिर हम बोल देते हैं कि कैपिटल वाई जो है ना, वेयर कैपिटल वाई जो है वो किसके इक्वल है, 3x प्लस में 4y प्लस 1 बाय 5, और x किसके इक्वल है, 4x माइनस 3y बाय 5, और 4a हमारे पास कितना है, 2 बाय 5, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। इसका मतलब y की वैल्यू क्या थी, 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल y इक्वल टू 0 था। एक्सिस हमारे पास क्या बनेगी कि y की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह से आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स ए इज एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि आपके पास एक्स की वैल्यू ये थी, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। हाँ जी, अब देखो पैराबोला हम ऐसे डिफाइन कर रहे थे ना, दो लाइंस थी परपेंडिकुलर थी, ठीक है। अब आपने पैराबोला ऐसे डिफाइन किया, तो ये पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट था, ये फोकस पॉइंट एस था, और यहाँ पे कोई फिक्स लाइन थी, ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए ए बी लाइन थी जो डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रही थी, ये वर्टेक्स पॉइंट था, ये फोकस पॉइंट था, ठीक है। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, यहाँ से आपके पास क्या बन रहा था, ये टेंजेंट की इक्वेशन बन रही थी, ये इक्वेशन थी डायरेक्ट्रिक्स की, ये फोकस पॉइंट था, और ये आपके पास क्या था, वर्टेक्स, ठीक है, इसे ओ नाम, सी का नाम दे दीजिए, वर्टेक्स को ए नाम दिया है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो आपने क्या किया, एक तो पैराबोला की एक्सिस निकाल ली, एक्सिस आपके पास ये लाइन थी, तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, तो आपने क्या किया, वाई को 0 कर दिया। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स था, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन पास आउट हो रही, एक स्ट्रेट लाइन, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन थी, इसका मतलब इस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, तो दो लाइन की इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक तो ये टेंजेंट की इक्वेशन मिल, सॉरी एक तो ये टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई, एक एक्सिस मिल गया, इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना, वो वर्टेक्स का काम करेगा, तो ये पॉइंट आपने सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन मान लो ए है, ये इक्वेशन बी है, सॉल्विंग ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका वही है कि आप कोफिशियंट ऑफ एक्स को सेम कर लो और एक बार वाई को सेम कर लो, या एक को सेम कर लो दूसरे में वैल्यू पुट कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी, देखना इस इक्वेशन को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों कोफिशियंट सेम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो डायरेक्ट वर्टेक्स जो है ना वो ए पॉइंट आ जाएगा, वो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 3 बाय 25 और माइनस 4 बाय 25, ये वर्टेक्स आ गया, ठीक है। अब आपने ये देखना कि पैराबोला जो है ना,
ये तो मैं सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि पैराबोला हम इस टाइप से कंसीडर कर रहे थे कि वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा, फोकस पॉइंट क्या आएगा। अब आपने ए पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, अब इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपने प्लॉट करना है ग्राफ को। उसके बाद आपने ये देखना है कि पैराबोला जो है ना वो कौन से एक्सिस को मीट करता है। हाँ जी, तो देखो हम क्या डिफाइन करेंगे, अब पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप देखो क्या करोगे कि अगर मान लो पैराबोला जो है हम चेक करते हैं कि अगर वो एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है या वाई एक्सिस पे। अगर हम ये बोले कि नाउ पैराबोला मीट्स एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस पे मीट करेगा तो वेयर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो गिवन कॉनिक था उसमें आपने जहाँ पे भी वाई था उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, जीरो। तो इक्वेशन आपके पास रिड्यूस होकर ये बन जाएगी सिर्फ एक्स में। ठीक है, और यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे आपके पास क्या आएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, हमें रियल वैल्यूज चाहिए। उसके लिए इसका मतलब क्या है कि पैराबोला जो है ना, पैराबोला मीट्स वाई एक्सिस वेयर एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब पैराबोला जो है वो आपका वाई एक्सिस पे बनेगा। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, 16y² + 14y + 1 = 0। यहाँ से आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो वाई के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे बनेंगे, -c + -√33/16। ठीक है, अब सी हम ले लेते हैं वो पॉइंट है जहाँ पे पैराबोला मीट करेगा वाई एक्सिस को, तो उसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बन गए। देखो एक्स पॉइंट को तो आपने इसमें जीरो पुट कर दिया था, जीरो, तो वाई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक बार प्लस वाला आ जाएगा फैक्टर और एक बार क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। एक मान लेते हैं डी पॉइंट पे टच करेगा, दो पॉइंट निकाल लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, फोकस पॉइंट फाइंड आउट करना है। फोकस पॉइंट जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आपने फाइंड आउट करने हैं। हाँ जी, फोकस पॉइंट क्या था, फोकस पॉइंट हम ये लेके चलते थे कि फोकस आपके पास ये था। अब फोकस पॉइंट को हम क्या लेके चलते हैं, हमें ये पता है कि अगर फोकस से एक आप स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो रिजल्ट है ना ये लैटस रेक्टम का काम करता है। तो फोकस पॉइंट जो है ना वो किसकी इंटरसेक्शन बनगी, एक तो देखो एक्सिस की बनगी और एक लैटस रेक्टम की बनगी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम क्या बनेगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज कैपिटल एक्स इक्वल टू ए, और स्मॉल और 4a किसके इक्वल निकाला था आपने, 2/5 पे इक्वल, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/10 आ जाएगी। ठीक है, तो x आपको गिवन था, कैपिटल x की वैल्यू क्या थी, 4x - 3y में कितना था, 5 इक्वल टू में क्या आ गया, ए, ए की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी 1/10। अब फोकस जो था ना वो आपने क्या निकाला था, इंटरसेक्शन निकाली थी, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड लैटस रेक्टम। ठीक है, ये रिजल्ट आपने निकाला था। हाँ जी, यहाँ से आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, देखो ये आपके पास बन जाएगा 4x - 3y = में क्या आ जाएगा आपका, 1/2, मतलब कि 8x - 6y - 1 = 0, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, हाँ जी, अब देखना आपने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करके एस कोऑर्डिनेट निकालना है। एस कोऑर्डिनेट जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन आएगी, एक तो इक्वेशन नंबर ये जो आपके पास अभी अभी फोकस की जो इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है, एक तो इक्वेशन ये, ठीक है, और एक इक्वेशन आपने क्या किया था, वाई इक्वल टू जीरो किया था ना, उस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, वाई इक्वल टू जीरो मतलब ए इक्वेशन को, एक तो इक्वेशन नंबर ए को सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन ए, मैं इसे सी का नाम दे रही हूँ, एंड सी, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है और एस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब कि आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी बनेगी, 3x + 4y + 1 = 0, एक तो इसको सॉल्व करना है, मतलब ए इक्वेशन ये थी, सी ए इक्वेशन ये बनी थी आपके पास, और एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, 8x - 6y - 1 = 0, ये इक्वेशन नंबर सी है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे ना तो एस के पॉइंट आ जाएंगे, एस आपके पास क्या आ जाएगा, -1/25 और -11/50, ये एस के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब ए भी आपके पास है, एस फोकस पॉइंट भी आपने निकाल लिया,
अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स का ये पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट को मान लो मैं नाम दे रही हूँ जेड। अब इस जेड पॉइंट को आपने सॉल्व करना है। हाँ जी, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे डिफाइन करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स को आप कैसे निकालोगे वो देखो। अब हमें ये पता था कि हम ऐसे डिफाइन कर रहे थे इस पैराबोला को, ठीक है। ये फोकस एस था, ये पॉइंट ए था, एक फिक्स पॉइंट ये एक फिक्स लाइन ली, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये इंटरसेक्शन था सेट। अब आपने ये डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ जी, इसको सॉल्व करने के लिए देखो आपने क्या किया। एज वर्टेक्स ए इज मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एस। अब देखो जेड जो है ना, ए जो है वो जेड और इस एस का क्या बन रहा है, मिड पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और जेड के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब जेड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन किसकी थी, एस ए कोऑर्डिनेट के, ए के कोऑर्डिनेट कितने आए थे, -3/25 और -4/25। इसी टाइप से एस के कोऑर्डिनेट आपने निकाली थी, एस कितना आया था, -1/25 और -11/50, ठीक है। हाँ जी, तो हमें ये पता है कि ए जो है वो मिड पॉइंट बन रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आपने क्या करना है, जेड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। जेड के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आप उसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकल जाएगी, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी, कोऑर्डिनेट आपने क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो जेड के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड आर -1/5 एंड -10/1/10, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 4x-3y + k = 0, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से आपने क्या करना है, अब देखो ये पॉइंट जेड के कोऑर्डिनेट आपके पास थे, जेड इस पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा था, तो इस की इक्वेशन आपके गिवन है, तो यहाँ पे पॉइंट्स पुट कर दीजिए, -1/5 -3 × -1/10 +k = 0। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्री (8x-6y + 1) = 0। अब जो जो रिजल्ट आपको चाहिए थे वो सारे पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिए। अब आपने क्या करना है, सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करना है। हाँ जी, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना है, दो एक्सिस ड्रॉ की, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाँ जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ए पॉइंट आपने निकाला ना, वर्टेक्स पॉइंट, वो आपने प्लॉट करना है ग्राफ पे। हाँ जी, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लॉट करोगे, प्लॉट द वर्टेक्स। वर्टेक्स ए आपके पास कितना था, -3/25 एंड -4/25, ठीक है। तो हमें ये पता है कि दोनों ही कोफिशेंट आपके पास क्या नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो है ना ए वर्टेक्स जो है वो यहाँ से आएगा। आपने मेजरमेंट करके निकालना है, बिना स्केल के मैं यूज़ कर रही हूँ, एक रफली आइडिया बता रही हूँ आपको। ए पॉइंट आपके पास ही आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता था कि पैराबोला जो है ना वो वाई एक्सिस पे मीट करेगा, वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे टच करेगा आपका पैराबोला। एक्स एक्सिस पे तो इमेजिनरी रूट आए थे, तो वाई एक्सिस पे आपने प्लॉट करना है। हाँ जी, उसके बाद आपने क्या करना है, दो लाइंस ड्रॉ करनी थी। सबसे पहले तो पहले आप इसकी एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। एक्सिस जो थी वो आपके पास इक्वेशन दे रखी थी, उसमें आपने क्या करना है, 1/1 पॉइंट्स पुट करने हैं। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की देखना है, वाई की 0 है तो एक्स की देखना है। उस पॉइंट उससे ना आपके पास आइडिया आ जाएगा कि आपने ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ए से ना एक स्ट्रेट लाइन पास करवा दी, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब ये इक्वेशन है 3x + 4y
प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली जैसे पॉइंट्स निकालते हो, सिंपल ग्राफ पे प्लॉट करते हो, उसी टाइप से पॉइंट्स निकालने हैं और वो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर देना, एक लाइन की फॉर्म बन जाएगी कि लाइन आपकी कहाँ से पास आउट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पैराबोला ड्रॉ करना है। हाँ जी, एक लाइन और दे रखी थी टेंजेंट की, टेंजेंट की लाइन जो थी वो आपके पास क्या थी, 4x-3y थी ना, इक्वल टू जीरो। अब ये देखो, इसमें जब आप x एक्सिस और y एक्सिस को जीरो पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये ओरिजिन से पास आउट होगी। तो आपने क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ओरिजिन से पास आउट हो रही हो, ठीक है। तो ओरिजिन से आपने इसे पास आउट करवा दिया। सेम वही है कि इसमें भी एक्स की वैल्यू रख लो, वाई का रिजल्ट आता रहेगा, वाई की रखोगे तो एक्स की वैल्यू आती रहेगी, लेकिन ये ओरिजिन से पास आउट होगी, ठीक है। उसके बाद हमें पता था कि पैराबोला जो है वो टच कर रहा है वाई एक्सिस पे। अब आपने क्या करना है, एक रफली मेजरमेंट से बताना है, जो सी और डी पॉइंट आपने फाइंड आउट किए थे ना, वो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके पास, इसी एक्सिस पे आएंगे। तो पैराबोला के आपने पॉइंट्स निकालने हैं। हाँ जी, पैराबोला देखो कैसे डिफाइन किया आपने। ये पैराबोला कुछ आपका ऐसा जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। मान लेते हैं ये सी पॉइंट था और ये पॉइंट आपके पास डी आ गया। सी के कोऑर्डिनेट क्या था, 0-7+√13 / ये अप्रोक्सीमेट ना नेगेटिव में 0-0 वाले 0 समथिंग पॉइंट आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू ना इसी एक्सिस पे लाई करेगी। हाँ जी, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0-7-√33/16, ठीक है। अब एक ए पॉइंट आपने निकाल लिया था, वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आपके पास फोकस पॉइंट भी आ गया था, फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एस थे, उसके कोऑर्डिनेट कितने थे, -1/25 और -11/50, और ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या थे, -3/25 और -4/25। अब इसी टाइप से आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरी निकाली, वो इक्वेशन आपके पास जो अभी अभी लास्ट में निकाला था रिजल्ट, वो लाइन ऐसे जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरी बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल और इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास 8x-6y+1=0। हाँ जी, इस टाइप से आपने सॉल्व करना है। जैसे आपने पैराबोला को प्लॉट किया, वैसे आपने हाइपरबोला और लिप्स को भी प्लॉट करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।